प्रॉब्लम दोनों कि हमें बुरा ना लगे उसका क्या करें देखिए आपका भी जो क्वेश्चन है ना उसको पहले ब्रेक डाउन करते हैं राइट right. एक हो सकता है कि आपके यहाँ पे हाथ पे कुछ गर्म लगा hmm. और जिसकी वजह से जला और दर्द हुआ क्या वो दर्द प्रॉब्लम है या उस दर्द के बारे में जो आप सोच रहे हो वो प्रॉब्लम है जो दर्द के बारे में हम सोच रहे हैं दैट इज द मेन प्रॉब्लम राइट क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा तो प्रॉब्लम है दैट आपकी बॉडी में कोई डिफेक्ट है राइट कोई भी आपको हर्ट कर रहा है और आपको बुरा लग रहा है दैट इज नॉर्मल सबको बुरा लगता है अगर कोई कहता है ना मेरे को बुरा नहीं लगता मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो बोल रहा है अंदर ही अंदर कही ना, कहीं तो आपका तो अच्छा तो क्वेश्चन right. तो अच्छा exactly. तो क्या होना चाहिए आप मेरी बुराई तो करो लेकिन मेरे को फर्क ना पड़े ऐसे कैसे हो सकता है इट्स नॉट पॉसिबल वो तब हो सकता है जब जो आप बुराई कर रहे हो वो बेसलेस है तो फिर हम ओवरथिंकिंग को स्टॉप कैसे व्हाट आई वाज अबाउट देखो तो अब आपको क्या करना है पहले तो ये समझना है इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है कि बुरा लगता है हुँ. अब आपको ये देखना है कि जो मुझे बुरा लग रहा है वो तो प्रॉब्लम नहीं है बट बुरा लगा और उसके बारे में मैं सोचे चली जा रही आई एम इन दैट जोन कुछ कर नहीं रही हूँ बस सोचे चले जा रही हूँ कि मुझे ये करना चाहिए था ये बोलना चाहिए था मुझे ये करना चाहिए लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो दैट इज अ प्रॉब्लम वन नंबर टू हो सकता है उस सिचुएशन में कुछ करने की जरूरत ही ना हो क्योंकि जो आपको बुरा लग रहा है वो इस वजह से लग रहा है क्योंकि वो सच है या वो झूठ है हुँ. अगर वो झूठ है तो बुरा लगना चाहिए नहीं जैसे कोई मोटा नहीं है उसको कोई बोल रहा है मोटा 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 तो उसको बुरा लगना चाहिए नहीं चीज़ है नहीं वो वो चीज़ चीज है ही बुरा क्यों लगेगी वो बुरा क्यों लगेगा तो इसका मतलब जब भी हमें कुछ भी बुरा लगता है तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई होती है तभी वो हर्ट होता है तो उसको अब हम दो तरीके से ले सकते हैं पहले हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया कि एक उसमें सच्चाई है एक में नहीं है जहां सच्चाई नहीं है और फिर भी आपको बुरा लग रहा है तो उस पर्सन को चेंज नहीं करना है हंसना है वो बेवकूफ है ना जो सच नहीं है वो बोले चले जा रहा है तो बोलने दो उससे फर्क क्या पड़ता है अब जैसे आप मेरे को बोलते हो कि यू आर नॉट गुड लुकिंग तो मुझे बुरा लगेगा नहीं लगेगा बिकॉज यू आर गुड लुकिंग जस्ट किडिंग हाँ सो so, पहले हमको ये देखना है कि क्या वो सच है या वो झूठ है झूठ है तो लाइटली लेना है हंसना है और अगर सच है तो हमें देखना है कि क्या इस सिचुएशन में हमें कुछ करना है या नहीं करना है अब किस लेवल पे करना है या तो उस इंसान को चुप कराना है या खुद कुछ ऐसा करना है कि उसका परसेप्शन चेंज हो जाए जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज किया होम मेकर तो मान लो अगर उससे रिलेटेड कोई कुछ बोल रहा है वो बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ करते नहीं हो आप घर पे बैठे रहते हो तो एक वे में वो रियलिटी है और एक वे में झूठ है रियलिटी क्यों है और झूठ क्यों है लाइफ मेकर राइट दूसरा जो बंदा है जो काम कर रहा है मनी मेकर नॉट एवरीबॉडी कैन बी होममेकर नॉट एवरीबॉडी कैन बी अ होममेकर एंड होममेकर होना कोई छोटी चीज नहीं है exactly. बहुत बड़ी चीज है उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए hmm. वो छोटा काम नहीं है वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है कोई कंपनी का सीईओ है वो काम फिर भी एक लेवल पे आसान है बट hmm. होम का सीईओ होना पूरे घर को संभालना घर वालों को संभालना लोगों को संभालना उनकी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना जो बच्चे हैं उनको संभालना वो अपने आप में छोटा काम नहीं है दैट इज अग थिंग तो पहले तो ये समझना है तो इस वे में क्या हुआ वो झूठ हो गया तो अगर इस एंगल से आप उनकी बात को सुनोगे तो आप हंसोगे अगर वो कह रहा है कि आप तो कुछ करते ही नहीं हो घर पे बैठे रहते हो तो आप हंसोगे आप कहोगे अच्छा मैं कुछ नहीं करती three, तुम days, करते हो। <laughs> right, that yeah. is one. अगर कोई ऐसे बोलता है ना कि आप कुछ नहीं करते हो mm -hmm. मैं देखो मैं ये जॉब करती है पैसा आता है अरे भाई पैसा तो है हमारे पास में तो ऐसा क्या उखाड़ लिया मनी यूनिफ यूर अर्निंग मोस्ट ऑफ दीपल थिंक लाइक अगर आप अपना कुछ कर रहे हो आप पैसा कमा रहे हो तब आप सक्सेसफुल हो ये बिल्कुल बेवकूफों वाला अप्रोच ज अ फुलिश वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ राइट बिकॉज पैसे से क्या होता है जो आप काम कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो आपको दे important. नहीं दे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है ये अगर आप नॉर्मल एक दुनिया की नजर से देखोगे तो कुछ और है एक्चुअल में जो इंपॉर्टेंट है और जो नहीं है वो कुछ और ही है एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लाइफ में कि जो बच्चे हैं उनको एक ऐसा एटमोसफेयर दिया जाए Hmm. जहां पर लव हो अफेक्शन हो केयर हो जेन्युन केयर हो तो उसमें क्या बुराई है hmm. उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता बच्चों को जो चाहिए वो भी मिल गया आपको जो चाहिए वो भी मिल गया और एक घर भी प्रॉपर बन गया यू डोंट नीड मनी तभी तो यू आर स्टेइंग एट होम ना hmm. जरूरत नहीं है फिर भी आप पैसा कमाने के पीछे भाग रहे हो पागलों की तरह वो बेवकूफी है डू वॉट मेक्स यू हैप्पी हैप्पी डू डू मेक्स यू राइट इज गुड फॉर यू नॉट वॉट द सोसाइटी टू बी गुड सोसाइटल प्रेशर्स कभी कभी ऐसे आ जाते हैं ना वैन एवरीबडीज़ आस्किंग यू कि वॉट डू यू डू एंड मोस्ट ऑफ़ द फीमेल्स विल रिप्लाई लाइक आई एम जस्ट अ हाउस वाइफ उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल क्यों नहीं आता यू आर नॉट जस्ट अ हाउस वाइफ यू आर समथिंग बियॉन्ड दैट यू हैव ओन पर्सनैलिटी बहुत सारी फीमेल्स इस इन्फीयोरिटी कॉम्प्लेक्स से ना जूझती हैं सो वॉट डू यू हैव टू से अपू दो फीमेल्स कि उनको इंफीरियर नहीं फील करना चाहिए देखो दो चीजें हैं एक ये है यू आर अम मेकर और आप बिजी हो पूरी तरीके से एंड फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है exactly. जो आपके हस्बैंड है वो अच्छा कमा रहे हैं इज़ नो इशू बट पर ये भी हो सकता है कि आप होम मेकर हो बच्चे आपके बड़े हो गए हैं hmm. वो अपना ध्यान खुद रख रहे हैं hmm. आपके पास में स्पेयर टाइम है hmm. तो उस स्पेयर टाइम में आप क्या कर रहे हो दैट इज इंपोर्टेंट क्या आप खाली बैठे हो खाली बैठ करके सिर्फ टीवी देख रहे हो या कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो कुछ क्रिएटिव कर रहे हो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो किसी भी तरीके से ग्रो कर रहे हो और कुछ नहीं तो घर पे बैठ के बुक्स पढ़ रहे हो दैट इज फार बेटर देन कि किसी ऑफिस में जाना और एक मोनोटोनस काम करना जो करना आपको पसंद नहीं है बट कर रहे हो क्यों क्योंकि दुनिया ये कहती है कि जो काम करते हैं वो पता नहीं क्या होते हैं बकवास है सारी बातें hmm. तो वाई डोंट यू डू समथिंग एट योर होम इफ़ यू हैव द रिसोर्सिस दैट इज अग क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो क्योंकि वो करने की नॉलेज भी नहीं है स्किल भी नहीं है बेसिकली हाउ डू वी कम आउट ऑफ द जोन देन एग्जैक्टली कि वो जो आपका कम्फर्ट जोन है उससे बाहर कैसे आओ हुँ. तो ये जो लोग आपको बुरा बोल रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है इसका मतलब क्या है उसमें सच्चाई है कि तुम कुछ करती नहीं हो अगर तो बुरा नहीं लग रहा है तो सच्चाई नहीं है क्योंकि आप करते हो एग्जैक्टली exactly. बट अगर बुरा लग रहा है तो इसका मतलब उसमें सच्चाई है तो सच्चाई है तो उनकी बातों को एज अ फ्यूल देखो कि वो आपको चैलेंज कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाओ तो कुछ करो अब करने के लिए पहले एक जमाना होता था कि आपको बाहर जाना पड़ता था देर वॉज नो अदर ऑप्शन आपको कहीं जाना ही पड़ेगा कुछ करना ही पड़ेगा बाहर अगर अपना कुछ करना है तो एक स्टोर खोलना पड़ेगा अगर अपने बेस पे कुछ करना है तो right. या फिर कहीं जॉब करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जो कि घर से बाहर है hmm. अब टाइम पूरी तरह से चेंज हो चुका है आप घर पे बैठे बैठे इतना कुछ कर सकते हो जिसकी कोई हद नहीं है अपने आस में देखो लोग क्या क्या कर रहे हैं आई एम श्योर आपका बहुत बड़ा अपना सर्कल होगा फ्रेंड्स होंगी रिलेटिव होंगे वहीं से बहुत कुछ शुरू किया जा सकता है उसके अलावा ऑनलाइन बहुत कुछ किया जा सकता है hmm. आपको ये देखना है आपका पैशन क्या है जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट आ रहा है नेचुरली उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी सर्टिफिकेशंस है जो आप ऑनलाइन बैठे बैठे घर पर ले सकते हो hmm. फिर अपने विजिटिंग कार्ड्स बनवा सकते हो दो चार सौ में विजिटिंग कार्ड तैयार हो जाते हैं अब कोई भी पूछता है क्या करते हो ये करती हूँ जी hmm. अब एक है आप सिर्फ उनको चुप कराने के लिए वो कार्ड उनको दे रहे हो एक्चुअल really yeah, में आप वो करना चाहते हो hmm. अगर तो सिर्फ उनको चुप कराने के लिए वो कर रहे हो तब तो वो शैलो हो गया तब वो खोखला हो गया उसको actually, कोई फायदा नहीं है। बिकॉज hmm. खाली बैठने से बेटर बैठ है कुछ करना इतना हमको समझ आ रहा है और कुछ क्रिएट करना कुछ इंटरेस्टिंग कुछ बनाना कहीं बिजी रहना जहाँ से कि आपकी ग्रोथ हो नॉट जस्ट थिरोटिकली बट एक्चुअली क्योंकि बुक से जो आप सीख रहे हो वहाँ पे थियोरटिकल ग्रोथ हो रही है बट जब कुछ करके सीख रहे हो तो वो प्रैक्टिकल ग्रोथ हो रही है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वहाँ पर तो अगर इस तरीके से आप कुछ करते हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप क्या क्या कर सकते हो देन अगर हम अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमें ये करना है चाहे हम घर पर बैठ के चाहिए करें चाहे घर से बाहर जाके करें देर इज अ पॉइंट जब लोग हमको फील कराते हैं कि थिंकिंग अबाउट वन सेल्फ इज बिंग सेल्फिश उस चीज़ से हम कैसे बाहर आएँ कि दिस इज नॉट बींग सेल्फिश दिस इज सेल्फ लव उसमें आपको एक बैलेंस बनाना होगा ऐसा नहीं कि अब आप उस चीज को करने में इतने बिजी हो गए जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट नहीं है पहले आपको समझना होगा आप कर क्यों रहे हो आप पैसे के लिए तो नहीं कर रहे दैट मस्ट बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम डे वन क्योंकि पैसा तो है एग्जैक्टली exactly. अब आप कर क्यों रहे हो आप कर रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए अपने आप को बिजी रखने के, hmm. के लिए अपने पैशन के लिए अपने इंटरेस्ट के लिए अगर इसको एक और वे में बोला जाए तो अपने फन के लिए अपनी इंजॉयमेंट के लिए या सेल्फ लव के लिए तो अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको दिन में नौ घंटे देना पड़ेगा दस घंटे देना पड़ेगा बारह घंटे देना पड़ेगा किसी का कर्जा थोड़ी ना देना है hmm. अपनी मर्जी है जो करना है दो घंटे भी करो दिन में, किसी दिन में चार घंटे भी एक घंटा भी करो किसी दिन में कुछ मत करो प्रेशराइजिंग यू टू डू डू इट एट योर ओन पेस बट कुछ करो दैट्स ऑल वट आई कैन से एक गिल्ट फीलिंग आती है आज मेरे बेटे का एग्जाम था टेस्ट था हिंदी का एंड देन आई हैड टू सेंड द फोटोग्राफ्स आल्सो टू द टीचर बिकॉज वो पीडीएफ फाइल वगैरह कई बार बना के नहीं कर सकता तो मुझे लग रहा था आई थॉट ऑफ मिसिंग दिस अपॉर्चुनिटी टुडे एंड देन स्टेइंग देयर विद हिम सो दैट ही डज हिज वर्क कम्प्लीटली एंड देन आई क्लिक द पिक्चर सेंड इट टू द टीचर अब एक फीलिंग मुझे ये थी कि यार वो मैं मिस कर दूंगी तो इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी तो ये चली जाएगी अब वॉट डू आई डू नाउ फिर मैंने इसकी टीचर से बात की मैंने उनको मैसेज किया दैट विल इट बी फाइन बिकॉज ट्वेल्व ओ क्लॉक मेरा सेशन था एंड ट्वेल्व ओ क्लॉक उसका एग्जाम स्टार्ट था सो आई टोल्ड हिम दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ अब आपको करना है अपने आप करके मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना एंड मैं मैम को अपने अकॉर्डिंगली भेज दूंगी सो आई डिड दैट बट कहीं ना कहीं मुझे गिल्ट फीलिंग आ रही थी कि यार उसका कुछ मिस हो जाएगा तो ही मिस समथिंग इन लाइफ यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि जिसको हम प्यार कहते हैं वो क्या है और अटैचमेंट क्या है अटैचमेंट हमको ब्लाइंड कर देता है प्यार हमको फ्री कर देता है आपका जो बेटा है hmm. आप क्या कहोगे कि आपको उससे एक्चुअल में प्यार है और कब कहोगे कि अटैचमेंट है ये कैसे फर्क करोगे इन डे टू डे लाइफ ठीक है मैं ही बताता हूँ <laughs> <laughs> देखिए जितना आप बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाते चले जाओगे जितना वो सेल्फ डिसिप्लिन होता चला जा रहा है बिना आपके कुछ भी बोले बिना आपकी प्रेजेंस के वो खुद चीजों को मैनेज कर रहा है उतना ही आप उसको प्यार करते हो यानी जितना वो आपसे दूर जा रहा है उतना ही आप उससे प्यार करते हो जितना आप उसको पकड़ करके रख रहे हो hmm. उतना ही आप उससे अटैच हो दैट इज गॉट नथिंग टू डू विद लव जैसे घोंसले में एक पक्षी होता है तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब माँ को अपने बच्चे को धक्का मारना होता है उसको लात मारनी होती है अब कई बार क्या होता है वो बच्चा नीचे गिर के मर भी जाता है कई बार उड़ भी जाता है बट वो लात वो धक्का बहुत जरूरी है उसके लिए नहीं तो वो कभी उड़ ही नहीं पाएगा ये फर्क हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम प्यार किसे कहते हैं और अटैचमेंट क्या है फॉर एग्जाम्पल वो बच्चा भूखा है अब आप उसको खिला रहे हो उसके पीछे पड़ के जबरदस्ती किसी भी तरीके से और वो कह रहा है नहीं नहीं मैं अभी बिजी हूं मैं अपना कुछ और कर रहा हूँ मैं अपना गेम्स खेल रहा हूँ या मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूँ अभी मेरे को तंग मत करो और आप उसके पीछे पड़े हुए हो उसको खिलाने के लिए क्या ये प्यार है या फिर प्यार ये है कि आपको बुरा लगेगा क्योंकि आपका बच्चा भूखा है लेकिन उसको छोड़ दिया मत खाओ ब्रेकफास्ट मत करो लंच मत करो डिनर मत करो अगर करना है तो ये टाइमिंग है जहां पर आपकी स्टडी टेबल है वहां पर नहीं होगा ये डाइनिंग टेबल है यहां पर इतने से इतने बजे तक लंच रहता है जहां पर कि मैं लंच करती हूँ अगर आपको करना है तो मेरे साथ में बैठ के यहाँ पे कर सकते हो hmm. नहीं करना है भूख नहीं है दैट्स ओके okay. आप अकेले बैठ लंच कर रहे हो लाइटली डिसिप्लिन उसमें कोई गिल्ट नहीं है hmm. आपने खाया आपका बच्चा भूखा है बट ये काम हुआ एक दिन दो दिन उसके बाद उस बच्चे को भूख लगेगी वो खुद आपके पास खाना मांगने आएगा आप वो खुद डिसिप्लिन हो जाएगा hmm. एक है कि आप उसको डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे हो चीख करके चिल्ला करके गुस्सा करके मार करके पीट करके जैसे ज्यादातर लोग इंडिया में पेरेंट्स करते हैं एक है कुछ ऐसा कर दिया कि हर चीज को पहले से डिफाइन कर दिया hmm. कि ये ऐसे होता है ये ऐसे होता है ऐसे होता है ऐसे होता है और वो जो आपने उसके लिए डिफाइन किया वो ही अपने लिए डिफाइन किया hmm. ये नहीं कि उसको कुछ और बोल रहे हो करने के लिए आप खुद कुछ और कर रहे हो कि डाइनिंग टेबल पे फोन अलाउड नहीं है

उसके आसपास में घूम रहे हो देखते जा रहे हो बिल्कुल ऐसा है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो और कोई बॉस है 24 <laughs> घंटे आपको देखे चले जा रहा है और बस कम यही निकाल रहा है ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया ये क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? वो क्या जो इम्प्लॉई है? है? है वो भी पागल हो जाएगा बॉस भी पागल हो जाएगा सही तरीका क्या होता है बॉस ने क्लियर कट लिख करके दे दिया अपने एम्प्लॉय को कि ये रोल्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये रिवॉर्ड है ये पनिशमेंट है लीव इट अप टू देम देन करना है करो नहीं करना है मत करो दैट्स योर कॉल दैट्स योर डिपार्टमेंट दैट्स नॉट माय डिपार्टमेंट

तो उनको ना तो किसी के पास जाना पड़े हुँ. ना किसी भी तरीके से कुछ सोचना पड़े कि मैं क्या करूं उनको पहले से सब पता होना चाहिए गुड पॉइंट यू इज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स अब मेल्स तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं कुछ फीमेल्स को बताते हैं कुछ फीमेल्स को नहीं भी बताते हैं फीमेल्स के पास कोई ऐसा स्पेशली जो होम मेकर्स होती हैं उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती उनके पास जो उनकी सेविंग्स हैं वही उनकी इनकम है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड सो so, वो किस चीज में इन्वेस्ट करें सो दैट लेटर ऑन इन दियर लाइफ उनको अगर कभी इनकम चाहिए कुछ पैसे चाहिए सो इट हेल्प्स हेल्प आप क्या कर सकते हैं आजकल ना ऐसी बहुत सारी एप्स आ गई हैं जहाँ पे आप अपने मोबाइल से ही कनेक्ट करके या तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं mm -hmm. या फिर इंश्योरेंस करा सकते हैं या फिर डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं मैं आइडियली आपको सजेस्ट करूँगा अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है मतलब आपको पैसे को सेव करके रखना है तो घर में रखने से अच्छा या बैंक में रखने से अच्छा या बैंक में एफ कराने से अच्छा आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए ओके okay. उसमें क्या बेनिफिट है आप कभी भी निकाल सकते हैं जब भी आपको जरूरत पड़ी आप एक क्लिक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसा होगा और कोई एग्जिट लोड नहीं होता है जैसे कुछ डायनामिक बॉन्ड फंड्स होते हैं दोज आर वेरी गुड आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे इसको बहुत सारी कंपनीज के होते हैं जिसपे रेटिंग होती है वो आप जा करके मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं वैल्यू रिसर्च पे देख सकते हैं तो उसमें क्या बेनिफिट होता है कि वो जो फंड होता है ना वो ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज में होता है ओके okay. वो वो जो होते होते हैं वो well होते हैं वेल रेटेड मानो उनको फोर स्टार फाइव स्टार मिले तो आपको दिमाग नहीं लगाना है हुँ. ये कहा इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है या फिर कोई भी ट्रिपल ए रेटेड सिक्योरिटीज है मतलब मोर सिक्योर देन योर एफ इन अ बैंक राइट वहां पर ही इन्वेस्टमेंट होता है प्लस वहाँ पे जो टैक्सेशन होता है वो बहुत कम होता है कि तीन साल बाद अगर आप तीन साल के लिए उस फंड को वहां पर रखते हैं तो तीन साल बाद जब आप विड्रॉ करते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन को मिला करके जो ओवरऑल आपको टैक्स देना होता है वो बहुत ही कम होता है मैं क्या सजेस्ट करूंगा अगर मेरे से आप पे मांगेंगे कि अभी फिलहाल मार्केट बहुत ऊपर है स्टॉक मार्केट आपको पता होगा थोड़ा बहुत उसके बारे में प्रोसेस मेर से अगर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मैं ये कहूंगा अभी मार्केट ग्री ड्रिवे बट हर पाँच दस साल में एक बार ऐसा आता है जब वो हो जाती है वो कुछ, के लिए होता है, कुछ महीनों के लिए या कुछ सालों के लिए हुँ. तब आप क्या करना एक क्लिक करना और अपना ये जो डायनेमिक बॉन्ड फंड में आपने पैसा डाला है ये सारा इक्विटी में शिफ्ट कर देना फाइव स्टार रिलेटेड फंड में तो तब तक आप डेट में रखो और तब आप इक्विटी में शिफ्ट कर जाओ

साल की रिटर्न अराउंड परसेंट के आसपास ऑन अ इस स्ट्रेटजी के बेस पे जिसको अगर आप कंपाउंडिंग को बीच में ले आते हैं तो अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी इन्वेस्ट करते हैं वो आने वाले बीस साल बाद इतना क्या किया जाए तो देर आर लॉट ऑफ थिंक जैसे अभी अगर फॉर एग्जाम्पल देखा जाए आपके माइंड में कुछ है ऑलरेडी कि क्या करने का आप सोच रहे हो मेरा इंटरेस्ट राइटिंग में भी है मेरा इंटरेस्ट uh, में भी है आपका इंटरेस्ट दो चीजों में है एक hmm. है राइटिंग में, एक है आर्ट में।, yeah. में ज़्यादा ज़्यादा है? इक्वली। फिर भी। जहां ध्यान लग जाए। गेस <laughs> आर्ट इस hmm. मतलब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे किस तरह की आर्ट आर्ट एज इन कलरिंग पेंटिंगली क्या आप कोई ऐसी आर्ट बना सकते हो जिसको लोगों को अपने घर पे दीवार पे लगा करके अच्छा लगे बिल्कुल. टी शर्ट पे पहनने में अच्छा लगे कि ऐसी कौन सी टी शर्ट आपको खुद को पहन के अच्छी लगेगी जिसमें कोई ऐसी आर्ट हो कुछ ऐसा हो जो और कहीं ना हो समथिंग यूनिक एंड यूनिक एंड डिफरेंट विद जैसे वॉट एवर नेम इज फुल नेम आपका सिग्नेचर होगा उस पर hmm. और वो आर्ट होगी तो जो परचेज कर रहा है उसका नाम आएगा वहां पर yours अब इस आर्ट को क्रिएट आपको एक बार करता है हुँ. आप क्या करोगे पेपर पे स्क्रिबल करके अपना कलरफुल सी एक अच्छी सी आर्ट बनाओगे अब आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन है हुँ. चाहे तो टी शर्ट पे भी उसको प्रिंट कर सकते हो चाहे तो मग्स पे भी कर सकते हो चाहे तो किचन पे भी कर सकते हो अनलिमिटेड ऑप्शंस है अब इतना आसान हो गया कुछ को जिसकी कोई हदि नहीं है प्लस अगर ये सब नहीं भी करना है तो पोस्टर्स बना सकते हो जैसे पहले के जमाने में पेंटिंग्स चलती थी अभी भी चलती है हुँ. बट अब आज की डेट में क्या होता है पेंटिंग्स कंपैरेटिवली जो हैंडमेड पेंटिंग्स होती है, होती हैं वो एक्सपेंसिव है अब क्या चलता है पोस्टर्स मानो जैसे ये है अ डे विदाउट लाफ्टर इज अ डे वेस्टेड अब ऐसे ही आपने कुछ क्रिएट कर दिया इंटरेस्टिंग सा हुँ. उसको डिजिटल में कन्वर्ट करवाना है क्योंकि आपने तो पेपर पे क्रिएट किया रैट. तो उसके लिए आर्टिस्ट बैठे हैं बहुत सारे जो कि आपसे बहुत ही रीजनेबल अमाउंट लेंगे चार पांच डॉलर देंगे किसी को भी दस डॉलर देंगे वो आपके डिजाइन को प्रॉपर डिजिटल आर्ट में कन्वर्ट कर देगा एक दो दिन के अंदर अंदर आपका क्या लगा फाइव टू टेन डॉलर एसेट है दिस इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये बहुत कम लोग समझेंगे इस बात को क्योंकि दिमाग कैसे चलता है हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है हम सबका hmm. आप कैसे सोचेंगे या आपके घर वाले या ये सब सब लोग कैसे सोचेंगे प्रॉपर्टी का मतलब क्या घर बना लो जी हमने तो जमीन खरीद ली दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टी आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अब इसका कॉपीराइट आपके पास में है यू विल ओन द कॉपी राइट ऑफ योर डिजाइन बिकॉज यू हैव क्रिएटेड इट अब इस डिजाइन को ऐसे आपने दस डिजाइन बना लिए मानो शुरू में आप टी शर्ट से ही शुरू करते हो ऑनलाइन hmm. अपना बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर फ्री में आप अपना एक ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हो इट इज एज इजी एज क्रिएटिंग एन ईमेल आईडी आपके नाम से आपका एक स्टोर बन गया hmm. किसी को भी आपके फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे वहाँ पे कोई भी पूछता है आप क्या करते आपका वो स्टोर इंटीग्रेट हो जाएगा एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर से hmm. आपने सिर्फ अपने वर्क को अपलोड कर दिया अब कोई भी वहां से ऑर्डर करेगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर एक ड्रॉप शिपिंग पार्टनर के पास वो उसको प्रिंट करेंगे मानो मग के लिए ऑर्डर किया या टी शर्ट के लिए ऑर्डर किया टी शर्ट का साइज वो सिलेक्ट करेंगे वो सब कुछ वहां से ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया तो उसमें ऑप्शन होंगे सीओडी का ऑप्शन होगा कैश ऑन डिलीवरी या क्रेडिट कार्ड और ये वो सारे ऑप्शन होंगे उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया प्लस इसकी आप एड्स भी चला सकते हो फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बना सकते हो ऐसे एक डोमेन नेम बुक करा सकते हो अब उसमें क्या हुआ आपके विजिटिंग कार्ड्स भी बन गए कि भाई ये मेरे जितने भी आर्टक हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं इसको आप किसी भी मटेरियल पे ऑर्डर कर सकते हैं अब आपका एक स्टोर है जैसे एक ऑफलाइन स्टोर होता है एक ऑनलाइन स्टोर है जिसकी कॉस्ट क्या है ऑलमोस्ट महीने का पांच सात सौ हजार रुपए महीना आपका एक काम शुरू हो चुका है ज्यादा डिजाइन नहीं चाहिए शुरू में दस भी बहुत है अगर ये काम चल पड़े तो और डिजाइन बनाते जाओ और अपलोड करते जाओ यू कैन हैव हंड्रेड डिजाइन यू कैन हैव वन थाउजेंड ये सब क्या है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है इसको कोई और यूज नहीं कर सकता इन डिजाइन को यह आपके अपने पेटेंटेड डिजाइन है अब कभी कभी कोई आइडिया दिमाग में आता है एंड यू फील लाइक डिस्कसिंग इट बट आपके पास कोई डिस्कशन के लिए होता नहीं है देन वॉट डू यू डू और आप डिस्कस करना भी चाहते हो तो सामने वाले का आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आता यू फील डी मोटिवेटेड वॉट डू यू डू देन अब आप किसी और की हेल्प मत लो इसमें क्योंकि या तो होता कोई स्टेक बहुत बड़ा होता तो मैं कहता आपको किसी की हेल्प की जरूरत है आपने अभी बात करी अपनी सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट की तो दैट मीन्स आपके पास में पैसा है आपको पैसे की कोई कमी नहीं है महीने का दो चार हजार रुपए तो स्पेंड कर ही सकते हो ना इससे ज्यादा तो आप करते ही होगे <laughs> इससे बहुत ज्यादा तो दो चार हजार रुपए अपने पे लगाओ ना इसमें किसी से क्या डिस्कस करना है सीखना ही तो है ये सब कैसे करना है सीख लो सीखने के लिए कोई एज थोड़ी ना होती है ये इंडिया में बेसिकली जो मेंटल ब्लॉक है ना ये बेसिकली ऐसा है कि एक एज के बाद में जा करके ना आदमी ऐसा हो जाता है अरे मेरे को नहीं पता मैं क्या करूँ ये वो जैसे आपने टिपिकल घरों में देखा होगा जो बड़े होते हैं एज में अरे हाँ। अरे मुझे नहीं पता इस मोबाइल को क्या करूं। अरे बेटा तू बताइए हाँ। है ना बच्चे पे डिपेंड हो गए जबकि बच्चे से ज्यादा उनको पता होना चाहिए अरे बच्चा आकर के उनसे पूछे समझ आता है आप बच्चे से जा करके पूछ रहे हो हाउ डज इट मेक सेंस प्लस क्योंकि आपने ये बात बोली है तो मैं एक और यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ इसमें आप अपने बेटे की भी हेल्प ले सकते हो बिकॉज आई एम श्योर ही इज गोइंग टू बी वो आपको हेल्प करेगा तो ये सिंपल है जिसकी मैंने बात करी नो कॉम्प्लिकेशन एट ऑल इन में एक दो घंटा उसके बाद तब बात करनी है ना जब घर में कुछ स्टोर करना है घर mm. में मानो एक बड़े बड़े बॉक्सेस रखे हैं उसमें कोई स्टॉक पड़ा हुआ है कोई प्रोडक्ट पड़ा हुआ है कुछ करना ही नहीं है सब कुछ ड्रॉप शिपिंग कंपनी करेगी mm. उस टी शर्ट को या उस पेंटिंग को उसको कैनवस पे प्रिंट करना फ्रेम करना वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, उनकी। पेमेंट कलेक्ट करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी आपको सिर्फ पैसे गिनने हैं बैठ करके बस खत्म मानो यहां से ज्यादा नहीं आता महीने का दस बीस हजार रुपए भी आ जाता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि आपके लिए पैसा तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं।, नहीं आपके लिए क्या है यू विल गेट एन आइडेंटिटी ऑफ योर ओन दैट आई एम दी फाउंडर ऑफ दिस स्टोर इसमें मैं क्या करती हूँ आई एम बेसिकली एन आर्टिस्ट आई क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग ऑनलाइन आप वहां से ऑर्डर करिए और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा दो से तीन दिन में चार दिन में खातम right. इतना कुछ किया जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है